आपको जरा था। डीएम साहब का रौब देखिए, ये बच्चों के सामने ही हेडमास्टर की क्लास लगा रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हेडमास्टर ने कुर्ता पायजामा पहना है। ये मामला बिहार के लखीसराय जिले का है, जहां डीएम संजय कुमार सिंह सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन हेडमास्टर के पहनावे को देखकर ही दाव में आ गए। हेडमास्टर के पद की गरमा की परवाह किए बगैर छात्रों के सामने ही बुरा भला कहने लगे। इतना ही नहीं, हेडमास्टर की सैलरी तक रोकने की बात कह दी और सख्त एक्शन के लिए BSA तक को फोन मिला दिया। कुर्ता और पजामा में ये थे और गमछा इन्होंने इस पर ये, दिस हैज टू बी गिवन टू मी। ठीक है, आप दीजिएगा ये रिपोर्ट, आई विल सी टू इट कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। आपको जरा सा घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया, IAS और IPS लॉबी का गुस्सा फूट पड़ा। अधिकारियों ने DM के व्यवहार पर सख्त एतराज जताया। मामले पर कई अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और सवाल पूछा है, क्या कुर्ता पजामा पहनने पर रोक है? 1985 बैच के IAS अधिकारी संजीव गुप्ता ने ट्वीट किया, कॉलोनियल मानसिकता के साथ ऐसा असभ्य व्यवहार करना एक सिविल सर्वेंट के लिए निंदनीय और अशोभनीय है। IPS अरुण बोथरा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्या भारत में शिक्षकों के कुर्ता पायजामा पहनने पर रोक है? बिहार के संघर्षशील शिक्षक संघ ने भी वीडियो ट्वीट किया और लिखा, अपमान करने का अंत होता है, शिक्षक के जीवन को नर्क बनाकर रख दिया है बिहार सरकार ने। अगर सरकार शिक्षकों का सम्मान करती है तो DM को इस तरह कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? हेडमास्टर की सैलरी रोकने की बात पर बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह ने ट्वीट कर पटना हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी शेयर कर दी और लिखा, किसी को भी शिक्षक की सैलरी रोकने का अधिकार नहीं है, गड़बड़ी में आप सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। DM ने सिर्फ हेडमास्टर के साथ ही बुरा बर्ताव नहीं किया, बल्कि ऑन ड्यूटी सरकारी महिला कर्मी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। DM के बुरे व्यवहार के बाद लोग IAS अधिकारी संजीव कुमार सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। आपका जहां जवाब यही है कि उसको बच्चा यहां आएगा तो खाना खिलाना है, कैसे आप ज्यादा कहां खिलाएंगे, कहां रखेंगे मसाला, ये आपकी जवाबदेही है। अगर नहीं है तो आप बोलिए वहां मध्याह्न भोजन के प्रभारी को, आपको यहां से हटा दिया जाएगा। एहसान मत करिए, आपको तनख्वाह मिल रहा है, अनेकों यहाँ सभी पर आना है भैया।